तो ये देखिए तैयार है हमारी मसालेदार मच्छी। तो हेलो गाइस, क्या हाल है, स्वागत है मेरे वीडियो में। मेरा नाम है कुसुम, आज मैं बनाने जा रही हूँ मच्छी। तो देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे तेल। और मच्छी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 चम्मच बेसन लिया है। तो बेसन में हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या है कि मच्छी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से मच्छी को बेसन में लगा लेंगे इस तरह। अब इसमें एक एक करके हम डालेंगे इस तरह। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुका है, इसको हम पलटेंगे। उलट पलट के इस तरह हम पकाएंगे मच्छी को। तो ये देखिए हमने फ्राई कर लिया है सारी मच्छी। देखिए हमने 2 गट्ठर लहसुन ले लिया है, छोटे छोटे हमने 8 प्याज ले लिए हैं, और 5 टमाटर, और 2 अदरक का टुकड़ा, और 5 हरी मिर्च। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। और तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और हम साथ में टमाटर प्याज हमने ग्राइंड करके रखा था, अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे। तो ये देखिए प्याज टमाटर हमारा पक चुका है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों, और इसको हम चलाएंगे। सरसों हमने पहले ग्राइंड कर लिया था, अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। साथ में ही हम 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच। यहाँ पे मैं नमक अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालना। थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे। मसाले को आप अच्छे से पकाएं, मसाला अच्छे से पकेगा तभी आपका मच्छी अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैं मसाले को कम से कम 15 मिनट तक पकाऊंगी। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुका है और मसाला हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमने 1 गिलास पहले डाल दिया था, 1 गिलास पानी और डालेंगे और इसको अब हम ढक के पका लेंगे। तो देखिए ग्रेवी हमारी पक चुकी है, जो हमने मच्छी फ्राई करके रखा था, अब इसमें हम डालेंगे और इसको हम 5 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे। तो ये देखिए तैयार है हमारी मसालेदार मच्छी। ऐसी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।